अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला की रहमत के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। आज का मेरा ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ अपने कज़न उमर के साथ उसके स्कूल जा रहे हैं हम, उसका रिज़ल्ट कार्ड ले लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और घूमेंगे भी गाँव में, चलते हैं। ये खेत हैं, बल्कि ये गन्ने के छली के हैं, ये छली के खेत है और वो पीछे गन्ने के लगे हुए हैं, वो भी चली है वो लगे हुए हैं गन्ने के सामने, वो भी चली है चली। तो ये जो छली के खेत है, अब मेरी बात सुनो, वैसे छली के खेत ख़त्म हो गई, मेरा मतलब लोगों ने उतार लिए छली है ना, छली खत्म हो गई है, जो छली है वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई है, ठंड आ रही है इस वजह से, है ना। तो ये छली है वो ख़त्म हो रही है, इस हिसाब से देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, वो जो सामने आप देख सकते हैं ना, ये गन्ने के खेत हैं। हाँ, गलत हो गया था मैं, वो व्यूअर्स ये चेक करें, गुलाब के खेत। ये उमर जो है उसके कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सॉरी यार उमर, मैं कॉलेज बोल रहा हूँ, कॉलेज में जाएगा उमर अभी। तो अभी हम उमर के जो है स्कूल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं गाँव में पतली पतली सी गलियाँ होती हैं, रोडें होती हैं, उसी से गुजर कर हम जा रहे हैं अभी उमर के स्कूल। किसी ने भैंसें रखी हुई हैं, ये भी रखी हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोटी ताज़ी हैं। ओ, आगे कीचड़ आ गया है, कीचड़ आ गया है, कीचड़। उमर यहाँ से बचा के गुजरना। तो ये जो है उमर का स्कूल है सारा, हम बाहर खड़े होंगे, उमर अंदर से जाकर रिज़ल्ट कार्ड लेकर आएगा। व्यूअर्स, अभी हम उमर के स्कूल पहुंच चुके हैं, देखते हैं अंदर जाने देते हैं हमें। हम उमर के स्कूल आए थे तो पता लगा है कि जो रिज़ल्ट कार्ड है वो जो सर ने जिसने देना है वो बीमार हैं, तो आज नहीं अब कल मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं आगे शहर, आपको इसका गांव में जो शहर होता है वो आपको दिखाता हूँ, आइए वहाँ चलते हैं। शूज़ की हालत चेक करें, गाँव में मिट्टी इतनी होती है, सारे वाइट हो गए, अभी इसको पॉलिश करवाते हैं। उमर क्या कह रहे हैं सर, कल मिलेगा जी? ठीक। तो व्यूअर्स, ये जो है शुरू हो चुका है शहर, गांव में जो होते हैं आप देख सकते हैं। अभी ये इसकी लकड़ी की मार्केट है सारी यहाँ पे। अब ये जिस तरह आप संदूक हो गए, अलपेटियाँ होगी, उसकी मार्केट आ गई, छोटा सा बाज़ार है लेकिन इधर से हर चीज़ आपको इजीली मिल जाती है। इस बाज़ार की सबसे अच्छी बात यह है कि आप, ये सुबह खुलता है 6-7 बजे और शाम को बंद हो जाता है टाइमली, मगरिब के बाद। अब ये मार्केट आई है, ये सैनिटरी की सारी मार्केट है, इधर सारा सैनिटरी का सामान मिलता है आप देख सकते हैं, जैसा कि पाइप, टैंकी वगैरह। वो जो अलमदीना शौरमे वाला है ना, उसका शौरमा मुझे बहुत पसंद है व्यूअर्स, बहुत मज़े का शौरमा बनाता है। अब मैं आपको किस तरह बताऊं, आप लोग टेस्ट करेंगे तो फिर पता लगेगा। ये दानू भाई ये रे शौरमा बना रहे हैं, बहुत ही मज़े का शौरमा है। अभी इसी तरह आगे कपड़ों वगैरह की और साइकिलों वगैरह की शॉप्स आ जाएंगी। इधर आगे एक समोसे वाला है, उसके समोसे बहुत मज़े के होते हैं। अभी उमर खाएगा बता यार, हैं खाएगा? चलो आगे आप, एक समोसे वाला है, उसके समोसे ट्राई करते हैं, आप कुछ आपको भी चेक कराते हैं। मैं जब इधर आता हूँ मैं वो लाजमी ट्राई करता हूँ, तो आइए चलते हैं भाई। ये है वो शॉप समोसे वाले की, बहुत ही मज़े के समोसे होते हैं इसके यहाँ पे। हमने ऑर्डर दे दिया आलू के समोसों का, बहुत ही मज़े के मिलते हैं। उमर इसे बोलते मीठी चटनी ना डाले, मीठी चटनी के बगैर समोसे और फिर पेप्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पेप्सी भी मंगवाई है अभी हमने, वो आ चुके हैं देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़े के हैं, भी जल्दी से खाते हैं। पेप्सी चेक करें, फुल बर्फ़ वाली पेप्सी है, ठंड में बर्फ़ वाली पेप्सी, वाह। व्यूअर्स, अभी हमने समोसे जो है खा लिए हैं, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़े के थे समोसे। इधर आपको मोबाइल मार्केट दिखाता हूँ, अपने ये गली है इस मार्केट की ना, इधर सारी मोबाइल मार्केट है, कपड़े की भी शॉप्स हैं लेकिन ये अब मोबाइल मार्केट सारी शुरू हो गई है। इधर गांव में जो है ना मोबाइल मार्केट है सारी, आप देख सकते हैं जैसा कि व्यूअर्स, जो ये मार्केट है ये सारी कपड़े की मार्केट है, इधर सारी कपड़े की शॉप्स हैं और जो भी कॉस्मेटिक्स वगैरह कपड़े वगैरह की शॉप्स हैं इस गली में।
बाज़ार शिजार आपको दिखा दिया, अभी हम जा रहे हैं घर। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त साद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।